हेलो दोस्तों, एमआरसी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अफजल आलम। आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में हम जानेंगे कि एयर कंडीशनिंग में सुपर हीट कैसे निकालते हैं, सब कूलिंग कैसे निकालते हैं और हमें सुपर हीट क्यों चाहिए, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और अपना सुपर हीट कितना मेंटेन किया जाता है एयर कंडीशनिंग में, वो भी हम आपको बताएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ, ये हमारा कंप्रेसर है, ये हमारा कंप्रेसर है, ये कंडेंसर बनाए हुए हैं, ये एक्सपेंशन वाल्व है, ये एवोपरेटर है। ठीक है, हमारा एयर कंडीशनिंग के मुख्य चार पार्ट्स होते हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व एंड एवोपरेटर। ठीक है, तो अभी इसमें से क्या है कि हम इसमें जो रेफ्रिजरेंट को सर्कल हम कराए हैं, जो एक एग्जांपल के लिए हैं, वो R22 रेफ्रिजरेंट लिए हैं, मोनोक्लोरो डाइक्लोरोमीथेन इसका नाम होता है, R22 का हम प्रेशर लिए हुए हैं। अब इसके ऊपर हम सुपर हीट निकालेंगे। तो जैसा कि अभी हमारा कंप्रेसर जो है, ये वेपर कंप्रेसर सिस्टम कहलाता है। कंप्रेसर जो है हमारा कभी भी वेपर सक करता है, अगर उसको लिक्विड मिलेगा तो उससे हमारा क्या है, कंप्रेसर प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अंदर मान लीजिए सील टाइप कंप्रेसर, तो उसके अंदर वाइंडिंग में किसी तरह से अपना लिक्विड जाएगा तो वाइंडिंग भी डैमेज हो सकता है। दूसरा, बहुत सारा मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट जाने से क्या होता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, और ऑयल के साथ मिक्स होता है तो ऑयल भी उसका ख़राब हो जाता है। तो ऑयल जब ख़राब होएगा तो ऑयल का काम क्या है सिस्टम के अंदर, कि जो भी मैकेनिकल पार्ट्स है उसको लुब्रिकेट कराता है कि जिससे वो घिसे नहीं। लेकिन अगर ऑयल पतला हो जाएगा, अगर ऑयल ख़राब हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि जो भी हमारा मैकेनिकल पार्ट्स है उस मैकेनिकल पार्ट्स डैमेज होने लगेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में अपना सुपर हीट वेपर बना करके उसके बाद कंप्रेसर को देते हैं, तो उससे हमारा कंप्रेसर का एफिशिएंसी जो बना रहता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सुपर हीट कहाँ कहाँ पर निकलता है। तो सुपर हीट और सब कूलिंग के बारे में भी हम जानेंगे। ओके, तो ये देखिए हमारा एवोपरेटर है। एवोपरेटर में हम प्रेशर लिए हुए हैं 65.7 PSIG, 65.7 PSIG। इधर कंडेंसर में हम लिए हुए हैं 242.8 PSIG। ठीक है, तो इस हिसाब से हम एक एक करके निकालेंगे इसके बाद। तो सुपर हीट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, ऑलरेडी हम मेंशन किया, सक्शन लाइन टेम्परेचर माइनस करस्पोंडिंग सेचुरेशन लिक्विड टेम्परेचर। मतलब इसके एक्सपेंशन वाल्व के बाद जो रेफ्रिजरेंट जाता है ना, तो वो लिक्विड एंड थोड़ा वेपर में रहता है, 70% लिक्विड एंड 30% वेपर कंडीशन में रहता है। तो इस बीच का जो भी प्रेशर टेम्परेचर चार्ट में देखिए, अगर मान लीजिए 65.7 बता रहा है, तो इसका एक प्रेशर टेम्परेचर चार्ट होता है हर रेफ्रिजरेंट का। अगर उस चार्ट में आप देखेंगे तो उसका करस्पोंडिंग सेचुरेशन टेम्परेचर आपको मिल जाएगा। तो जब हमने 65.7 PSIG का करस्पोंडिंग सेचुरेशन टेम्परेचर देखा तो ये कितना मिला हमें, 38 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, अगर इसको आप सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करते हैं तो 3.3 डिग्री सेंटीग्रेड में आपका आता है, लेकिन हम फारेनहाइट में रखे हैं, 38 डिग्री फारेनहाइट हमें मिला 65.7 PSIG का, जो बैक प्रेशर भी बोलते हैं, सक्शन प्रेशर बोलते हैं इसी को, ये एवोपरेटर में। अभी ये जो हम डॉट डॉट का निशान किए हैं ना, ये एक्चुअल में क्या ये इंडिकेट करता है कि ये इधर में फुल वेपर बन गया है और इधर ये लिक्विड फॉर्मेट में है, ये धीरे 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 वेपर बनना स्टार्ट होता है। ये वेपर बनता कैसे है, तो वेपर बनता ऐसे है कि जो एवोपरेटर में आसपास जो भी उसके जो भी कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो वो कांटेक्ट में आने के बाद उससे हीट लेकर के और गैस जो है इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट जो इंटर है फ्रियोन, वो जो है बॉइल कर जाता है। ठीक है, बॉइल कर जाता है, तो हर रेफ्रिजरेंट का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो अपना R22 जो रेफ्रिजरेंट है इसका भी एक बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट -41.4 डिग्री फारेनहाइट होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट इसका 41.4 डिग्री फारेनहाइट है R22 रेफ्रिजरेंट का, अदरवाइज दूसरा रेफ्रिजरेंट का डिफरेंस रहेगा। तो अभी क्या है, ये किस सिचुएशन में है, इतना में बॉयल कर देता है, जैसे पानी का होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी बॉयल होने लगता है। अगर उससे ज्यादा अगर आप बॉयल करते हैं
तो वो समझिए तो सुपर हिट में बॉयल होएगा। तो सिंपली एक मतलब अगर कोई पूछता है कि सुपर हिट किसे कहते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर के टेम्परेचर को सुपर हिट बोला जाता है और बॉइलिंग पॉइंट के नीचे के टेम्परेचर को सब कूलिंग बोला जाता है। बस आपको यही आंसर करना है। तो अब 41.4 डिग्री माइनस 41 माइनस में जब बॉइल कर सकता है, तो हमारा एवेपरेटर एरिया जहां पर हम रूम एयर कंडीशनिंग रूम में रहते हैं, जो इंडोर एंड स्पिट लगा या चीलर लगा है, तो चीलर में मान लीजिए उसके कॉन्टेक्ट में पानी आता है, तो पानी उसके चीलर में कॉन्टेक्ट में कितना डिग्री में आएगा, सेंटीग्रेड प्लस में आएगा, 8 डिग्री 10 डिग्री जो भी है रिटर्न जो एचयू से आ रहा है तो वो प्लस में है। तो अगर उसके कॉन्टेक्ट में रेफ्रिजरेंट आएगा तो इजी बॉयल हो जाएगा। सेम लाइक दैट अगर आपका एयर कंडीशनिंग रूम में एवेपरेटर जहां पे लगा हुआ है, जो अपने इंडोर यूनिट जिसको बोलते हैं, वहां पे सराउंडिंग एरिया टेम्परेचर कितना रहता है, वहां पे मुश्किल से आपका रहेगा तो 25 रहेगा, 30 रहेगा, तो ये प्लस में है, ठीक है 22 है, तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड 25 डिग्री सेंटीग्रेड ये प्लस में टेम्परेचर मिल रहा है। तो लेकिन रेफ्रिजरेंट को बॉयल करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, रेफ्रिजरेंट को बॉयल करने के लिए हमारा -41.4 डिग्री फारेनहाइट चाहिए माइनस में, तो हमारा इजी से बॉयल कर जाता है रेफ्रिजरेंट, ठीक है, एवं आसपास रखी वस्तुओं से हीट को एब्जॉर्ब करके ये बॉयल कर जाता है। अब बॉयल करने के बाद ये है वेपर बनना स्टार्ट होता है, वेपर इतना अच्छा बन जाता है कि वो सुपर हीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो कंप्रेसर को हमें क्या चाहिए, वेपर ही चाहिए और सुपर हीट चाहिए, तो इस हिसाब से कंप्रेसर इसको सक कर लेता है, देन आफ्टर डिस्चार्ज करता है। तो हम सब कूलिंग का अलग बता देंगे, अभी पहले इसको देख लेते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए हमें, सक्शन लाइन टेम्परेचर माइनस सैचुरेटेड लिक्विड लाइन टेम्परेचर चाहिए, लिक्विड टेम्परेचर चाहिए, सैचुरेटेड कोरिस्पोंडिंग सैचुरेटेड लिक्विड टेम्परेचर, ये अपना सक्शन लाइन का टेम्परेचर जब आप मेजर करेंगे तो 9 डिग्री 10 डिग्री समथिंग ऐसा कुछ मिलेगा। तो हमने जो मेजर किया उसको 9 डिग्री सेंटीग्रेड में, लेकिन जब इसको आप फारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो 48.2 डिग्री फारेनहाइट इसका निकलता है। तो हमें यहां पर क्या करना है, सक्शन लाइन टेम्परेचर, सक्शन लाइन का टेम्परेचर कितना हो गया 48.2 डिग्री फारेनहाइट, ओके। फिर क्या बोल रहा है, माइनस, माइनस में क्या बोल रहा है, कोरिस्पोंडिंग सैचुरेशन सैचुरेटेड लिक्विड टेम्परेचर, ओके कोरिस्पोंडिंग लेकिन हमको 38 चाहिए तो 38 डिग्री फारेनहाइट ले लिए। अब 48 में से 38 को जब माइनस करेंगे तो हमारा कितना निकल जाएगा, 10.2 डिग्री फारेनहाइट। तो ये हमारा सुपर हीट निकल गया, ठीक है, ये जो हमारा है ये सुपर हीट निकल गया। तो इस तरह से आप सक्शन लाइन का सुपर हीट निकाल सकते हैं, सुपर हीट मेंटेन कर सकते हैं। सब कूलिंग निकालने के लिए हम प्रेशर लिमिट 242.8 PSIG हम लिए हुए हैं, ठीक है। अगर आप इसका कोरिस्पोंडिंग सैचुरेटेड लिक्विड टेम्परेचर अगर आप प्रेशर टेम्परेचर चार्ट में देखेंगे तो इसका टेम्परेचर जो आएगा 115 डिग्री फारेनहाइट और सेंटीग्रेड में 46.1 डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा रेफ्रिजरेंट का प्रेशर का सैचुरेटेड टेम्परेचर हो गया, ये हम प्रेशर टेम्परेचर चार्ट से देख के निकाले। दूसरा, आप अगर ये लिक्विड लाइन में जब सबकूल लिक्विड जब कंडेंसर के बाद जब आता है लाइन तो सबकूलिंग होने लगता है, मतलब फुल लिक्विड बनने लगता है, ठीक है। तो लिक्विड लाइन में जब आप टेम्परेचर चेक करेंगे तो नॉर्मली ना ज्यादा वो हीट रहता है और ना ज्यादा कूल रहता है। सब कूल नाम है इसका, मतलब कि अपना क्या है ये बॉइलिंग पॉइंट के नीचे से नीचे का जो टेम्परेचर आता है तो उसको सब कूल बोला जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो चिल्ड रहेगा, ठीक है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पर रहता है। तो इसका टेम्परेचर एटलीस्ट 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड में, इसका जब हम फारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो 100 डिग्री फारेनहाइट में इसका निकल जा रहा है। उसी तरह से आप डिस्चार्ज लाइन को जब आप टच करेंगे तो बहुत ज्यादा हार्ड मतलब ये रहता है, बहुत हाई टेम्परेचर रहता है। तो उसका जो टेम्परेचर मेजर किए उसका 79.44 डिग्री सेंटीग्रेड निकला, ओके। फारेनहाइट में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 175 डिग्री फारेनहाइट उसका है अपना डिस्चार्ज लाइन का टेम्परेचर। तो हमको सब कूलिंग निकालने के लिए क्या चाहिए, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन का टेम्परेचर, मतलब कि हमें जो कंडेंसर में जो प्रेशर है ये प्रेशर का हमें उसका सैचुरेटेड टेम्परेचर चाहिए। तो हम जब उसका प्रेशर टेम्परेचर चार्ट में देखे तो 115 डिग्री फारेनहाइट निकल गया।
और दूसरी बात फिर क्या चाहिए, लिक्विड लाइन का टेम्परेचर। तो लिक्विड लाइन में मैनुअली आप टेम्परेचर चेक कर लीजिए, लिक्विड लाइन में टेम्परेचर चेक किए तो हमारा कितना निकला 100 डिग्री फारेनहाइट। तो जब 115 एंड 100 ये इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कितना निकल गया 15 डिग्री फारेनहाइट। ये हमारा क्या आ जाएगा, सबकूलिंग, सबकूल्ड आ जाएगा। ये हमारा सबकूलिंग निकल गया, ये हमारा सुपरहीट निकल गया। तो इस तरह से आप सुपरहीट एंड सबकूल एयर कंडीशनिंग में आप निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो क्लियर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी भी तरह से आपको समझ में नहीं आया, डाउट है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करें, तो जितना हो सकेगा मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। और एक चीज और छूट रहा है इसमें, मैं क्या बोल रहा हूँ कि सुपरहीट मेंटेन कितना करते हैं, तो ये डिपेंड पड़ता है कि आप कौन सा यूनिट में सुपरहीट को मेंटेन कर रहे हैं। डीएक्स यूनिट, डीएक्स चीलर जो है उसमें सुपरहीट को अलग मेंटेन किया जाता है, और फ्लडेड चीलर है उसमें सुपरहीट को अलग काउंटिंग नंबर से मेंटेन किया जाता है। तो नॉर्मली जो अपना डीएक्स चीलर में है 8 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड में रखते हैं, और फ्लडेड चीलर में 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड में रखते हैं अपना सुपरहीट सक्शन लाइन का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों तक जरूर इसे शेयर करें कि उन्हें भी कुछ सीखने को मिले। और हम इसी तरह से थ्योरी एंड प्रैक्टिकल हमारा वीडियो इस चैनल पे आते रहता है, तो आपको सीखने को मिलेगा बहुत सारा कुछ। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम बताने वाले हैं एयर कूल्ड चीलर का फुल पैरामीटर्स, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, और उसका फुल डिटेल्स बताएंगे। तो आप हमारा वीडियो के वेट कीजिए, तब तक चले फिर अपना ख्याल रखें। आज का हमारा यही टॉपिक था।